हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ओ हेनरी की बायोग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ हेनरी का रियल नेम विलियम सिडनी पोर्टर था और इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1862 को उत्तरी कैरोलिना के ग्रीन्सबोरो में हुआ था। उन्होंने 1898 में अपने मध्य नाम की स्पेलिंग को सिडनी में बदल दिया। उनके माता पिता डॉक्टर अल्गर्नन सिडनी पॉटर एक चिकित्सक और मैरी जेन वर्जीनिया स्वाइन पॉटर थे। विलियम के माता पिता ने 20 अप्रैल 1858 को शादी की थी। जब विलियम 3 साल के थे, उनकी माँ की मृत्यु उनके तीसरे बच्चे के बर्थ के बाद हो गई और वो और उनके पिता अपने नाना के घर चले गए। एक बच्चे के रूप में पॉटर हमेशा पढ़ रहा था। क्लासिक से लेकर डाइम उपन्यास तक सब कुछ उनकी पसंदीदा रचनाएं लेन थे 1000 और वन नाइट और बर्टन की एनेटमी ऑफ मेलनचोली का अनुवाद। पॉटर ने अपनी चाची इवेलिना मारिया पॉटर के प्राथमिक विद्यालय से 1876 में स्नातक किया। फिर उन्होंने लिन से हाई स्कूल में दाखिला लिया। 1879 में उन्होंने ग्रीन्सबोरो में अपने चाचा की दवा की दुकान में काम करना शुरू कर दिया और 30 अगस्त 1881 को 19 साल की उम्र में पॉटर को फार्मासिस्ट के रूप में लाइसेंस दिया। दवा की दुकान पर उन्होंने कस्बों के गुच्छों को खींचकर अपनी प्राकृतिक कलात्मक प्रतिभा को दिखाया। 1902 में ओ हेनरी न्यूयॉर्क पहुंचे। उनके सबवे पर बगदाद दिसंबर 1903 से जनवरी 1906 तक उन्होंने न्यूयॉर्क वर्ल्ड के लिए एक हफ्ते में एक कहानी का निर्माण किया जो पत्रिकाओं के लिए भी लिखा। उनकी पहली पुस्तक कैबेजेस एंड किंग 1904 में विदेशी होंडुरन पृष्ठभूमि के खिलाफ शानदार पात्रों को दर्शाया गया है। द फोर मिलियंस 1906, द ट्रिम लैम्प 1907 दोनों ने अपने दैनिक दिनचर्या और रोमांस और रोमांच की खोज में न्यूयॉर्क की भीड़ के जीवन का पता लगाया। हार्ट ऑफ द वेस्ट 1907 ने टेक्सास रेंज की सटीक और आकर्षक कहानियों को प्रस्तुत किया। ओ हेनरी 1882 के मार्च में टेक्सास चले गए और ओ हेनरी की मृत्यु 5 जून 1910 में हुई। इनका जो पेन नेम था वो ओ हेनरी था। अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हुआ करते थे और ये यूएसए में रहते थे और इनका पेन नेम ओ हेनरी और ओलिविया हेनरी के नाम से जाना जाता था। आई होप आपको ये बायोग्राफी अच्छी लगी हो। सो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय।